Hello, everyone. My voice is coming or not? Please let me know. Hello, hello, hello. Am I visible? Hello, hello. How are you all? welcome 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 just take a minute please give me I am sharing it then after that i will start okay hello hello ओके नाउ लेट्स बिगिन चलो सो हेलो एवरीवन गाइस वेलकम 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 टू न्यू इंडियन एरा एंड माय नेम इज प्रशांत तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर सेवन और ये बहुत छोटा सा वीडियो होगा क्योंकि चैप्टर नंबर सेवन में बहुत ही कम बहुत कम कंटेंट है बाकी सब रिड्यूस्ड है ओके सो वेलकम एवरीबडी हाउर यू ऑल चलो सभी लोग आ जाओ वेलकम हिमांशु वेलकम श्रुति हाउ आर यू नाशरा माने हाउ आर यू वेदांत उमेश यशराज कैसे हो आसरा विस्कार कार्तिक हाउ आर वेलकम कैसे हो आप सब चलो सो यस गाइस नाउ वेलकम 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 एवरीबॉडी और आज चैप्टर नंबर 7 करेंगे वेलकम वैभववी वेलकम एनआई स्टूडेंट्स क्या बात है हेलो वेलकम हाउ आर यू आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू यस ग्रेट वेलकम विजय लक्ष्मी वेलकम विजय यू दीपक कैसे हो हर्षाली पूजा हवर यू नॉलेज रोहन हवर यू शुभम कैसे हो अभिषेक तौफिक क्या अनुष वेलकम एवरीबडी सो फाइनली चैप्टर नंबर सेवन प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन और ये चैप्टर के अंदर सिर्फ हार्मोनल वाला पार्ट हमें पढ़ना है बाकी सब इसमें रिड्यूस्ड है इसके बाद स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर एट फिर चैप्टर नंबर नाइन फिर टेन फिर बीच में भी बहुत सी चीजें रिड्यूस्ड है एंड देन वी विल स्टार्ट बाद के so, last के चैप्टर्स सो लास्ट चैप्टर नंबर ट्वेल्व तक रियल बायोलॉजी है एंड उसके बाद इकोलॉजी स्टार्ट होती है वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा नो no इशू तो चलो शुरू करते हैं फिर आज के इस चैप्टर को So, कितने लोग रेडी हो आर यू रेडी हव आर यू न्यू क्रिएटिव वेलकम हर यू वेदांत नेहांत अभिषेक अर्षू वर्षा वेलकम दर्शन हव आर यू कैसे हो एवरीबडी क्या बात है चलो ठीक है सो so, आजकल ऐसा लग रहा है कि बहुत से बच्चे अब पढ़ने पिने में ध्यान नहीं देते मतलब ऐसा पता नहीं क्यों कोई इश्यू है क्या या कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए बता दो मेरे को तुम लोग एनी इम्प्रूवमेंट क्लास ट्वेल्थ के बच्चे मतलब कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कोई इशू समथिंग एल्स कुछ भी सो प्लीज़ टेल मी जो कि हम लोग उसे मॉडिफाई करेंगे कुछ बदलाव करेंगे ठीक है कुछ भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो चीज़ की थोड़ी सी डिमांड है वो चीज़ चाहिए रहेगा तुम्हें तो मुझे बताओ क्या चीज़ है ऐसी वो वो क्या चीज़ क्या चाहिए तुम्हें कुछ और नया चाहिए या फिर वन शॉट ही कंटिन्यू करें वन शॉट तो ख़त्म ही करेंगे ऐसा नहीं है पूरा हो जाएगा अपना लास्ट थर्टी जनवरी तक ठीक है बट स्टिल तुम्हें और कुछ नीड होगी तो प्लीज़ लेट मी नो प्लीज़ बताओ ठीक है बताओ जल्दी से सो so, कुछ भी अगर ऐसा चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो ठीक है वेलकम सृष्टि हाउ आर यू वेलकम अभी वेलकम बनी अनुराग कैसे हो वेलकम जेट गेमिंग अभी मैंने पढ़ा था जेट गेमिंग बोलता है मैं बहुत अमीर हूँ <laughs> मेरे पापा का बिजनेस है मैं वही बिजनेस चलाऊंगा जो मेरे पापा ने चालू किया है <laughs> तो जब इसके बेटे होंगे तो इसके बेटे बोलेंगे कि ये मेरे दादाजी का बिजनेस है मेरे पापा का थोड़ी है <laughs> क्योंकि वो बिजनेस तो इसने थोड़ी करके है लेकिन एक बात है भाई बिजनेसमैन लोगों का धंधा मस्त रहता है मतलब ऐसा रहता है ना कि पैसा उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा मस्त चलाते रहता है ऐसा रहता है ये मजेदार बात है लेकिन उनमें प्रॉब्लम फिर एक ही आती है कि एक दो तीन जेनरेशन के बाद वो बिजनेस डिवाइड हो जाता है और उसका पोटेंशियल खत्म हो जाता है चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस मैन हो है ना चलो सो यस सर डू समथिंग फॉर लैंग्वेज या श्योर आई विल डोंट वरी दो टाइम वेलकम अमित कैसे हो अभी कैवल्या कैसे हो क्या बात है यार धड़ाधड़ धड़ाधड़ चैट करते जा रहे हो तुम लोग तो कैसे हो आजकल मैं भी थोड़ा बहुत बिजी हूं मेरे पापा की तबीयत का थोड़ा सा इशू चल रहा है आजकल मैंने आई थिंक इंस्टाग्राम में बताया भी था आपने मुझे फॉलो किया होगा तो पता ही होगा आईडी वीडियो कहीं दिख जाती है देख लो भाई इधर है <laughs> तो आजकल इशू है बट फिर भी एक खुशी एक हैप्पीनेस हमेशा दिमाग में होनी चाहिए फेस में होनी चाहिए सैड रह के क्या उखाड़ लूंगा मैं तो कभी एडमिट हो जाते हैं पापा जाके मतलब उन्हें लेके जाना पड़ता है तो अभी जस्ट मैं चार बजे आया हॉस्पिटल से एंड देन फिर आपका सेशन ले रहा हूँ मैं सोचा कि आज का सेशन बंद ना करूँ वरना फिर बोलेंगे बायोलॉजी पीछे हो गई बायोलॉजी पीछे हो गई पीछे हो गई तो गया एंड देन फिर चल रहा है अभी ट्रीटमेंट चल रहा है बहुत बिजी हूँ बीच में फिर मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई ये मौसम भी ऐसा चल रहा है तो ठीक है चलो कोई नहीं स्टार्ट करते हैं फिर ओके और हाँ एक सबसे बड़ी खेद की बात है कि अपने फिजिक्स के जो सर हैं अजय सर उनको भी थोड़ा सा कोविड पॉजिटिव हुआ है तो सर भी रिकवरी ले रहे हैं अभी और क्वारंटाइंड है सर की हेल्थ तो अभी ठीक है बट स्टिल पॉजिटिव हैं तो मिनिमम सेवन टू टेन डेज तक तो रहेंगे क्वारंटाइंड तो ये एक थोड़ी सी बहुत बड़ी है सर, आप सभी लोग प्रे करोगे सर के लिए ऑब्वियसली सब ठीक हो जाएंगे आप सबका लव एंड सपोर्ट है तो फिर क्या ही इश्यू है, है ना चलो सो so, मैं भी भटक रहा हूँ बहुत सी चीज़ों में पापा का भी मेरे हेल्थ इश्यू है तो उन्हें भी मतलब ठीक कराना है उनका दूसरा इशू है उन्हें कोविड का नहीं है तो ऐसी चीज़ें हैं तो बहुत इस टाइम पे मेरे सामने क्रूसियल टाइम चल रहा है मतलब खुद की मेरी हेल्थ पापा की हेल्थ अपने टीचर्स जो हैं अपने साथ काम कर रहे हैं तो टीम की हेल्थ और फिर तुम्हारे सेशन्स मेरे खुद के सेशन्स बहुत सी चीज़ें हैं जो एक साथ मैनेज करनी है <laughs> कभी कभी सच में मुँह से निकल आता है कि बॉय होना बहुत आसान है हम लोग कितनी स्ट्रेंथ होती है कि हम लोग सब संभाल लेते हैं कोई टेंशन की बात नहीं है ना कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए बस हंस के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना ये बहुत अच्छी बात होती है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को लेट्स बिगिन ओके तो ओके नाउ लेट्स बिगिन चलो शुरू करते हैं और इम्पोर्टेंट भी है तो चलिए वेलकम वेब हाउ आर यू ओके तो ये आप लोग को दिख रहा होगा ये भी मेरी पुरानी नोट्स है हैंड रिटर्न है इसमें सारा का सारा काम हैंड रिटर्न है नो no इशू ठीक है तो मेरी पुरानी नोट है ये और ये मेरी तब की फोटो है जब आज से दो साल पहले की ठीक है तो ये लगा दिया है देख देखते रहो तुम लोग और एग्जैक्टली यहाँ पे क्लिक करूंगा अगर तो खुल जाएगा सिम सिम है ना जाओ यार सब्सक्राइब डिस्क्राइब मार तुम लो तुम लोग क्या कर रहे हो ठीक है तो फोर नाइनटी नाइन के हो गया है जरा देख लो अच्छे से यहाँ पे दिख रहा क्या तुम लोग को ये ज़ूम नहीं होता अच्छा हो गया तो फाइव हंड्रेड कब होगा ठीक है सो बस फाइव हंड्रेड के का इंतजार है कुछ वी आर प्लानिंग सम ग्रैंड सेलिब्रेशन तो होगा टेंशन मतलब ठीक है हो जाएगा नो no इशू तो फाइव हंड्रेड के होने वाला है मज़ा आ जाए एकदम अच्छे से ठीक है चलो सो so, यस yes, तुम सबका सपोर्ट बना रहे और मैं जानता हूँ गाइस कि बहुत से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सी चीज़ें कहते रहते हैं और तुम सब बहुत होशियार हो तुम्हें किसी की नहीं सुननी है ठीक है और सही गलत में फ़र्क तुम खुद ढूंढना मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने समझाया है कि वही इंसान दुनिया में आगे बढ़ता है जो खुद का स्टैंड लेता है जो खुद से हिम्मत रखता है जो खुद से आगे बढ़ता है जो खुद के सिचुएशन खुद की परिस्थितियों को समझ करके और खुद के अंदर के जोश को जगाता है और खुद के अंदर के डिसीजन को सामने रखता है और उसे सही प्रूफ करता है वही इंसान दुनिया में आगे बढ़ता है इस बात को हमेशा ध्यान देना और एक बात और ध्यान देना जब जब तुम आगे बढ़ोगे तब तब कोई ना कोई कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी निंदा करेगा तुम्हें कंडेम करेगा कोई तुम्हारे खिलाफ बोलेगा कोई तुम्हारे बारे में कुछ कमियां ढूंढेगा तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि वो इंसान तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि वो तुम्हारी कमियां बता रहा है तुम्हें सुधरने का मौका दे रहा है तुम्हें आगे बढ़ने की राह बता रहा है और यू विल रीच दैट हाइट अगर तुम लगातार मेहनत करते रहोगे तो इस बात को बस हमेशा याद रखना ओके So, चलो अभी शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक और आज हमें करना है चैप्टर नंबर प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक और चलिए शुरुआत करते हैं ओके सो so, क्लास ट्वेल्थ महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर सेवन ग्रोथ हॉर्मोन और ये पहला हमारा यहाँ पे टॉपिक है और यहां पे देखते हैं कि ग्रोथ हॉर्मोन्स में यहां पे जरा लिशन केयरफुली सबसे इंपॉर्टेंट बातें ग्रोथ पहली बात तो देखो जरा यहां पे ध्यान देना आखिरकार हॉर्मोन्स क्या होते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोन्स तो हॉर्मोन्स एग्जैक्टली exactly क्या है कि ये एक हां अब एक बात और समझना क्या हॉर्मोन्स कहीं बाहर से आते है? नहीं हॉर्मोन्स कहीं भी बाहर से बिल्कुल भी नहीं आते ठीक है चलो अभी सारे बच्चे एक मिनट रुक जाओ जरा कमेंट्स uh, बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मैथ्स का एक बार देख लो जरा सबकी प्रॉब्लम क्या है ठीक है <coughs> एक मिनट जरा रुक जाओ सब लोग प्रिया कह रही है मैथ्स मैं देखता हूँ अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ पापा थोड़ा ठीक हो जाए फट से स्टार्ट करूंगा शॉर् थैंक यू सो मच एन आई स्टूडेंट्स ओके यस शर्मोन आकांक्षा ओके थैंक यू ओके ओके ए बी टू अभी योर फ्रेंड धीरज अभिषेक संदेश ओके okay, ठीक है होल सिलेबस पे, पे पेपर ओके okay, ठीक है होल सिलेबस पे पेपर पे देखता हूँ लास्ट मिनट रिवीजन उसके लिए मैं मैराथन लाऊंगा ओके नेक्स्ट 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 लास्ट मिनट रिवीजन लाऊंगा रे बाबा अभी टेंशन मत लो ठीक है ओके okay, बहुत बढ़िया अजय सर को कोविड हुआ है ठीक हो जाएंगे वैसे ही सेशन चालू हो जाएगा ओके ना फाइन नेक्स्ट कोई और अपेक्षित वो खरीद लो दुकान में मिलेगा मेरे पास थोड़ी अवेलेबल रहेगा बोर्ड पेपर दे दो <laughs> <laughs> सॉरी बोर्ड पेपर कैसे दे सकता हो <laughs> मैं थोड़ी बनाता हूँ यार ओके okay. नेक्स्ट <coughs> आज मुस्तफ़ा सर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी रहेगा तो देख लेना अच्छे से चलो ठीक है और मैथ्स के सर मैथ्स के सर को हाँ यार वो तो बताना भूल गया मैथ्स के सर का भी बहुत ज़्यादा तबीयत इशू हुआ है लगातार सर पंद्रह दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है आई होप नेक्स्ट अभी इस आने वाले टाइम पे तो उनका सेशन होगा दो वीक से उनका सेशन नहीं हुआ तो उनके लेक्चर सब होंगे फटाफट उन्होंने चार चैप्टर ख़त्म कर दिया मैथ्स वन का बाकी का बाकी है तो वो भी हो जाएगा डोंट वरी ठीक है सो डोंट वरी हो जाएगा ओके नाउ लेट्स बिगिन सो ग्रोथ हार्मोन की जरा बात करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन में क्या है एग्जैक्टली exactly जरा समझो ये एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता अब फटाफट खत्म करूंगा ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा वन शॉर्ट रिवीजन है आप सबको ध्यान देना है आपको बस खुद से भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और फिर यहां पे पढ़ना भी पड़ेगा ओके नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक तो जो हार्मोन होता है एग्जैक्टली exactly, ये कहीं बाहर से हमारी बॉडी में नहीं आता ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारे बॉडी में पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है मतलब इसे मैनेज करता है सिंपल भाषा में कहूं तो कोऑर्डिनेशन करने में ये हेल्प करता है हमारे बॉडी के हमारे बॉडी के बहुत से ऑर्गन्स लाइक हार्ट लीवर इंटेस्टाइन एंड ब्रेन बहुत सी चीजें इस हार्मोन के एक्शन के वजह से चलती हैं ठीक है थीके? तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में हार्मोन हमारी बॉडी में हेल्प करता है बट हम किसकी बात करने जा रहे हैं प्लांट की नॉट आर सेल्फ ओके सो प्लांट्स के अंदर या किसी के भी अंदर तो जो हॉर्मोन है वो एक ऐसा इंटरनल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ को या ग्रोथ को रेगुलेट करता है ग्रोथ इन द सेंस इज नॉट ऑल अबाउट कि तुम्हारी हाइट कितनी बढ़ रही है तुम कितने चौड़े हो रहे हो तो ये सब पे डिपेंड नहीं करता ये डिपेंड करता है कि ऑल ग्रोथ द ग्रोथ ऑफ द होल बॉडी ठीक है वो मैटर करता है तो ग्रोथ को ये रेगुलेट करता है और बहुत से ऐसे एक्शन जिसे इनहिबिट करता है रोकता है बहुत से ऐसी चीजें जिन्हें प्रमोट करता है और बहुत ऐसी चीजें जिसे ग्रोथ को और बढ़ाता है तो ये हार्मोन का काम है ठीक है हमेशा इस चीज को एकदम ध्यान देना अच्छे से इट्स फायर वाइटी क्या कह रहा है समोकिंग यू है कुछ भी चलो सर ऐसा थोड़ी करेंगे चलो ग्रोथ हार्मोन की बातें एकदम आपको समझ गई होंगी ठीक है Now, यहां यहां ना यहां 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 ध्यान ध्यान दो दो अभी अभी सारे 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 लोग लोग पे पे बच्चे बच्चे फोकस करो ठीक है चलो देखो देखो इंग्लिश के लेक्चर आ जाएंगे मैं कमेंट में देख रहा हूं तुम लोग का प्रॉब्लम सो डोंट वरी इंग्लिश का लेक्चर में लाऊंगा ओके नाउ लेट्स बिगिन ग्रोथ हार्मोन की अब बात करते हैं तो ग्रोथ हॉर्मोन दो टाइप का है पहला है ग्रोथ प्रमोटर्स एंड दूसरा है ग्रोथ इन

एंड ग्रोथ इनहिबिट्स में इथाइलिन एंड एप्सिस एसिड एपसिसिक एसिड एंड इथिलीन ठीक है ध्यान देना अच्छे से कोई कोई ethylene भी पड़ता है सो एंड जिब्रक्सिन ये पांच हार्मोन हैं जिसमें से दो इनहिबिटर्स रोकने वाले और बाकी के तीन प्रमोटर्स बढ़ाने वाले इस बात को आपको अच्छे से समझ के रखना अच्छे से ओके चलो ना आगे बढ़ते हैं नॉलेट्स बिगिन यहां पे देखते हैं यश आकांक्षा इंग्लिश का लेक्चर आ जाएगा अब यहां पे जरा अच्छे से ध्यान दो अब ये जो यहां पे लिखा हुआ है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन मैं पूरा पढ़ के दिखाऊंगा पहले तुम्हें तो प्लांट हार्मोन आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब एग्जैक्टली exactly हारमोन क्या है ये एग्जैक्टली exactly तुम्हें एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा ये एज इट इज तुम्हें लिख के आना पड़ेगा मतलब डेफिनेशन लिखा हुआ है ना और कभी कभी डेफिनेशन हमें एज इट इज लिखनी होती है <clears throat> तो प्लांट हॉर्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहां पे जरा सब लोग ध्यान दो

फिजियोलॉजिकल फंक्शन मीन वाटर को एब्जॉर्ब करना फिर फूड को ट्रांसपोर्ट करना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना हमने इसके पहले चैप्टर में देखा था ये सब फिजियोलॉजिकल होता है एट अ साइट रिमोट फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्टिव इन वेरी माइन्यूट दैट इज ऑप्टिम अमाउंट तो थोड़ा सा एक अमाउंट हार्मोन का बॉडी की ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और ये हार्मोन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है एक 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 वर्ड का मीनिंग बताया है ध्यान रखना इसे याद रखना एग्जाम में एक मार्क्स को आ सकता है क्योंकि यही यही टॉपिक सिर्फ इस चैप्टर से आने ही वाला है क्योंकि बाकी सब रिड्यूस्ड है <coughs> अब अपन ने देखा था पांच हार्मोन के टाइप्स उन पांच हार्मोन के टाइप्स में से ओके क्या हुआ कमेंट बॉक्स में कोई भी टेंशन रहे बताओ बाबा ओके <sharp> ओके चलो यस सर आई लेक्चर

Acid is inhibitor and बाकी जो ये जो ये सारे के 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 जो जो ये ये हैं, हैं। सारे सारे हमारे उसमें से हम पहले के बारे में पढ़ेंगे। चलो, पहला फर्स्ट तो इन प्लांट। आपने इसके बारे में चैप्टर नंबर सिक्स क्लास नाइन्थ में पढ़ा था ऑक्सीजन के बारे में चैप्टर नंबर फोर्टीन में भी आपने क्लास नाइन्थ साइंस के बुक में पढ़ा था वहां पे आपको लिखा था कि जो ऑक्स होता है ये प्लांट के इलांगेशन में हेल्प करता है वट इज द मीनिंग ऑफ इलाशन इलांगेशन मतलब जैसे कि उसकी स्टेम होती है तो उसकी स्टेम चौड़ी होती है प्लांट की तो उसे कहते हैं इलांगेशन एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड होकर बड़ा बनता है इलोंग तो होता है इलांगेशन ठीक है तो उसमें ये ऑक्सीजन हेल्प करता है इनडायरेक्टली प्लांट की ग्रोथ करने में हमारा ये ऑक्सीजन हेल्प करता है इस बात को हमेशा ध्यान देना अच्छे से प्लांट की जो ग्रोथ है हाँ अब यहां पे बेसिकली जो इलांगन है तो आपने पढ़ा होगा बहुत से टिश्यूज होते हैं जिसमें से एक मैरिस्टमैटिक टिश्यू होता है इज टिश्यू एग्जैक्टली तो इसका मीनिंग होता है कि एक ऐसा टिश्यू जो खुद को डिवाइड करके रेप्लीकेट कर सकता है और ये बेसिकली स्टेम वगैरह को बढ़ाने में हेल्प करता है तो जो प्लांट की स्टेम होती है ना उसको डेवलप करता है या उसे बड़ा करता है उसको इलांगेट करता है तो अब जब मेरिस्टमेटिक टिश्यू की हेल्प से सॉरी <coughs> <coughs> जब मेरिस्टमेटिक टिश्यू की हेल्प से इलोंगेशन होता है तो उस मेरिस्टमेटिक टिश्यू को प्रमोट कौन करेगा कि वो इलांगेट करवाए? तो करवाएगा ठीक है ध्यान देना अच्छे से अब आगे बढ़ते हैं जरा यहां पे जरा ध्यान देना सारे लोग कि इसके अंदर अब एग्जैक्टली exactly जो हार्मोन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होता है तुमने अलके नल्की नलकाइन अल्कोहल एसिड, एल्डिहाइड, कार्बोक्लिकल बायोमोलिक्स लाइक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज नंबर टेन से लेके हेलोजन डेरिवेटिव है फिर चैप्टर थर्टीन अमाइंसर बायोमोलिक्यूल पॉलीमर ये सारे केमिस्ट्री टू uh, के पूरे छह से सात चैप्टर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है उस जगह हर जगह तुमने आईपीएसई नाम का एक वर्ड तो सुना ही होगा तो ऑक्सीन आकसिन ऑक्सीन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो उसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका नाम है इंडोल थ्री एसिटिक एसिड याद याद है तो आबाद है भूल गए तो बर्बाद है इंडोल थ्री एसिटिक एसिड।, एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड को इथेनो इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं तो इंडोल थ्री एसिटिक एसिड आई ए ए ये भी कहते हैं इसे हमेशा अच्छे से एकदम ध्यान देना ठीक है चलो तो लिशन केयरफुली तो ध्यान दो हाँ अगर किसी ने पूछ लिया कि मतलब क्या तो ये अब बात करते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन अब क्या रहता है ना कि कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बेचारे ज्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इंसान लोग होते हैं ना हम बहुत दिमाग वाले भाई हम सिंथेटिक भी बनाए सिंथेटिक मतलब जो हम खुद लैब में क्रिएट करते हैं तो ऑक्सीजन के कुछ टाइप से जिन्हें हमने लैब में बनाया है इंडोल ब्यूट्रिक एसिड एसिडलीसिड टू फोर डी ओके ध्यान देना अच्छे से तो सिंथेटिक ये नाम है इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में जान लो मतलब कि एग्जैक्टली अगर ऑक्सीजन किसी प्लांट के अंदर रिलीज हुआ कौन से इफेक्ट लाएगा पहली बात तो ये क्या करेगा इनार्जमेंट पहले ही बताया में हेल्प करता है ग्रोथ क्या करता है अपाइकल बर्ड्स वट इज अपाइकल बर्ड्स जो प्लांट के सबसे ऊपर की टॉप नोच वाली बर्ड्स होती है सबसे टॉप नोच अपाइकल मतलब सबसे ऊपर ठीक है वहां पे ग्रोथ करवाता है ठीक है चलो और बेसिकली इसीलिए इसे कहा जाता है अपाइकल डोमिनेंस वाला हार्मोन डोमिनेंस मतलब जो किसी सामने वाले को रिप्रेजेंट करता हो तो अपाइकल मतलब ऊपर वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करवाने में हेल्प करता है स्टिमुलेट करता है स्टेम एंड रूट को पहले ही बताया स्टेम में इसका मेन काम है तो स्टेम और रूट को स्टिमुलेट करता है कि हो कितना आसान चैप्टर है और बहुत से ये सीडलेस प्लांट में जिनमें सीड की कोई मतलब सीड नहीं होते सीडलेस प्लांट मतलब जिसमें सीड होते ही नहीं है तो सीडलेस प्लांट में ये जैसे ग्रेप्स ऑरेंज लेमन तो ये सब में ऑक्सीज प्रोड्यूस होता है ठीक है इन सब के द्वारा और बात करूं ऑक्सीज जो होता है ये डिवीजन ऑफ कैम्बियम व्हाट इज कैम्बियम तो कैंबियम एक्जैक्टली exactly, तुमने वैस्कुलर बंडल देखा होगा ये वहीं रहता है, phloem, बंडल, वही पे होता है that, okay? तो, तो सेल डिविजन तो वहां पर भी करवाता है यह इंक्रीज करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन अब आपको पता होगा कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं एंड दिस इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अगर प्लांट रेस्पिरेशन नहीं करेंगे वी ऑल विल डाई वन डे ओके सो एग्जैक्टली ये जो ऑक्सिन है ये रेस्पिरेशन को भी इंक्रीज करता है इन द प्लांट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट तो कितना चंडी कितना आसान टॉपिक है यार ये इससे आसान टॉपिक तो कोई हो ही नहीं सकता ठीक है याशूर मेलप कह रहा है मेलप पुजारी के टेलीग्राम पर नोट्स टाका प्रिया कह रही है करोगे क्या सर स्टार्ट प्लीज मेरे पास टाइम की बिल्कुल बहुत कमी है मैथमेटिक्स में स्टार्ट क्लास टेंथ के लिए नहीं कर पाऊंगा आई एम सो सॉरी ठीक है ध्यान रखना अच्छे से और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रहेगा तो मैं ट्रिग्नोमेट्री करवा दूंगा टाइम की बहुत किल्लत है मेरे पास सब घर में बीमार है मुझे सब देखना है ऊपर से बहुत से लोग ऐसे जो बाहर से रोस्ट कर देते हैं तो वो भी देखना है उसको क्या देखना है उसको कुछ नहीं देखना है तो ओके जस्ट एक छोटी सी स्माइल काफी है <laughs> जो जो अपने अगेंस्ट बोलता है चलो ठीक है सर क्वेश्चन बैंक पीडीएफ या ग्रेट मिल जाएगा डोंट वरी आई विल अपलोड और कुछ ओके okay, ठीक है नाउ आगे बढ़ते हैं चलो शुरू करते हैं अब नॉलेशन केयरफुली ओके श्योर तो अब जिब्रिल्स के बारे में पढ़ना है अब ये क्या है भाई ऑक्सीज तो ठीक है इनलार्जमेंट इलांगेशन करवा रहा था जिब्रेलिंस क्या करता है ये ग्रोथ को प्रमोट करता है ग्रोथ हो जा जैसे नहीं कि हमारी क्लास में राहुल और प्रिया है तो अब दुनिया जानती है कि राहुल प्रिया में कुछ तो चल रहा है लेकिन एक तीसरा बंदा जरूर रहेगा वो चुड़ाएगा राहुल को बोलेगा प्रिया 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 को बोलेगा राहुल राहुल और एफ ए चुड़ा के उनमें नहीं भी कुछ रहेगा ना सब करवा देंगे ये टेक्निक मैंने भी अपनाई है इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरे स्कूल टाइम पे ऐसे दो बंदे थे मैं जानता था भाई ये लोग बहुत टॉपर लोग हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा तो फिर कुछ नहीं है बस मैं मौके की तलाश में था कुछ तो ऐसा करो जिससे कि मैं उस सिस्टम को ढूंढूँ एंड देन फिर स्टार्ट हो जाऊँ मैं तो फिर एक दिन की बात है कि भाई पहले बेंच में वो टॉपर बंदा बैठा था इसमें कौन सी मेरी गलती है मैंने दोनों का घर बसाया है भले मैं अकेला घूम रहा हूँ बट मैंने उनका घर बसाया ना आज वो लोग अभी भी रिलेशनशिप में हैं <laughs> भले मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ हमेशा ये चीज होती है जो मतलब इस बारे में ना जो किसी के अगेंस्ट या किसी का कुछ रिलेशन करवाता है ना वो हमेशा अकेला ही घूमता है श्राप है ये किसी चीज को पता नहीं मेरे ऊपर भी लग गया है कोई नहीं मेन मुद्दे की बात करते हैं तो पहले बेंच में वो बैठा था एंड शी केम एंड अ पेन मतलब मैंने हम सब ने मांगा भाई पेन है क्या पेन है क्या तो हमने उससे पेन मांगी हमें नहीं दी और उसके टाइम उसने मांगा तो उसने उसके टाइम पे दे दी अब नहीं क्या ये अनफॉर्चुनेटली ऐसे कभी कभी हो जाता है मीन्स नहीं क्या कोई कोई अचानक ऐसे बोलता है मेरे को नहीं देना पेन फिर बार बार कोई बोलेगा तो फिर वो दे देती है तो दे दिया उसने तो हमने बोला हमको नहीं दी इसको पेन दे दी ओ कुछ तो है ठीक है बस इतनी सी बात पहली मुलाकात एक तरह राजा एक थी रानी बोर्ड एग्जाम आया डूब के खत्म हो गए और संपला इनकी कहानी ठीक है तो ये सारी चीजें हो गई मजा आ गया दोनों के दोनों सेवेंटी परसेंट पे आके अटक गए भाई अपन ने टॉप कर दिया था फिर तो ये सारी चीजें ओके सो कोई ना चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब सो जिब्रिल्स की बात करते हैं भाई ये कितना सारा स्पैम करेगी ये मैं क्या बोलूं अभी टेंथ का भी कुछ करवा दो ओके okay, सुमित देखता हूं ले लो ना भैया प्लीज टेंोमेट्री ले लो कितना टेंशन है कितना टेंशन है इस प्रिया को क्या करो मैं चलो ठीक है पूरा हो ही नहीं पाएगा मेरे को मालूम है मैं उतना डिटेल में इतना फटाफट ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट को नहीं ले पाऊंगा मतलब इतना फटाफट इतने कम टाइम में उसके लिए मेरे को विस्तार से टाइम चाहिए मतलब अलग अलग वीडियो बनाऊंगा अब टाइम की कमी है कैसे ले लो मैं तुम्हें तो कहना आसान है जिब्रेलिंस की चलो बात करते हैं तो ग्रोथ प्रमोटिंग दूसरा एबोन्डेंट इन रूट रूट में पाया जाता है है। एमसीक्यू पॉइंट बन सकता फंगस में पहली बार पाया गया था आपको पता होगा इट इज फ्रॉमिक एसिड एग्जैक्टली जैसे कि वो इंडोल थ्री एसिटिक एसिड किसने प्रेजेंट था ऑक्सीज में ठीक है तो वैसे जिब्रेवलोनिक एसिड ये प्रेजेंट है ठीक है और इसका एक कॉमन एक्टिव फॉर्म कौन है जी ए थ्री जो कि केमिकली क्या कंटेन करता है साइक्लिक देखो भाई नाम बहुत सुंदर है याद करना पड़ेगा साइक्लिक डिटरप्रीन विद फोर आइसोप्रीन ना? नाम याद कर लो तो ये यह की रिंग कंटेन करती है जिसके अंदर जी ए थ्री नाम का कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है गे? नाम बड़े और छोटे छोटे दर्शन, चोटे, दर्शन चोटे। इतना बड़ा नाम लिया है साइक्लिक एंड फोर आइसोप्रीन और जो ये इतना बड़ा नाम है तो जस्ट इसका काम सिर्फ इतना है कि रूट में पाया जाता है और उसको ग्रोथ करवाता है ठीक है इससे हमेशा ध्यान देना अच्छे से चलो ठीक है ओके अभी तुम लोग स्पैम करना बंद करोगे मेनी मोर ओके प्लीज 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 प्रिया एंड क्लास वाले बंदे थोड़ा सा स्टॉप कर दो मैं डालूंगा ओके okay? बट मुझे जब टाइम मिलेगा तब मेरे पास अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है ठीक है थैंक यू सो मच आयुष्मान ओके प्लीज बस 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 करो प्रिया प्रिया रुक जाओ <laughs> ठीक है रुक जाओ प्रिया रुक जाओ

इंक्रीज करता है फ्रूट के साइज को और बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब जो ग्रेप्स होता है ना उसमें भी जिब्रिंस की वजह से उसके बंच बनते हैं यह स्टेम्स को एग्जैक्टली exactly उसके अंदर के इनर नोड्स को डेवलप करवाता है इमेजियट इलांगन मतलब बड़ा करना तो बड़ा करवाता है डॉर्फ जो भी प्लांट होता तो उसे बड़ा करने में हेल्प इट कॉजेस प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर ऑन फीमेल फ्लावर वा वाह ये बहुत सुंदर काम कर दिया ठीक है तो तो so के के में भी help करता है 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 बहुत सुंदर काम ठीक तो ये बात आपको समझ के रखना अच्छे से चल अब ये बात ध्यान रखना अब अब आगे बढ़ते हैं यहां देखो साइटोकाइनिन तो ये थर्ड हार्मोन है जो कि प्रमोटर हार्मोन था अब ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है माइटोसिस सबसे पहली बार तबाको में पाया गया था टोबैको आप सबको मैं बता दूं कि फंगस में जिब्रलिन्स सबसे पहले पाया गया था और प्लांट के रूट सिस्टम में सबसे पहले ऑक्सीजन पाया गया था तो ये साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और टोबैको में पाया गया था ये एक ऐसा एलिमेंट है एन एलिमेंट फाउंड इन डीएनए इट इज कॉल्ड किनेटिन किनेटिन नाम का एक एलिमेंट होता है जो डीएनए में पाया जाता है ठीक है तो केमिकली केमिकली अब सबसे पहली बात फंगस में पाया गया था ना तो केमिकली साइटोकाइनिन में बहुत सुंदर नाम है सिक्स फुरफुरिल फुर अमाइनो एसिड अमाइनो प्यूरिन अमाइनो प्यूरिन पिरामिडिन मालूम है ना तो अमाइनो प्यूरिन सिक्स फुर फुर क्या नाम है यार <laughs> 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 तो सिक्स फुरफुर अमाइनो प्यूरिन ओके डंडन डंडन याद करके रखो इसे ठीक है चलो आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है सर आप बहुत हेल्प करते हो थैंक यू सो मच विवेक कुमार थैंक्स अलॉट बस अब स्पैम बंद कर दो थैंक यू सो मच सानिका थैंक्स अलॉट चलो तो भाई सिक्स पूरी अमाइनो प्यूरिन ओके okay? भाई पानी पूरी नहीं फुरफुरिल लिखा है फुरफुरिल <laughs> तो साइटोकानिन के अंदर सिक्स फुरफुरिल अमाइनो एसिड प्यूरिन नाम है आखिर ये नाम तो मत बोलना नेचुरल साइटोकिन जिया है ना जियाटिन नाम याद कर लो साइटोकाइनिन नेियाटिन ठीक है जाए 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 ना, जाए ना, जाए ना। <laughs> तो इज सिंथेटिक साइटोकाइनिन ठीक है ये ध्यान रखो ये तो याद करने वाली बात है तो जीआरटिन को याद रखना जी को मत बोलना सीके एजुकेयर ओके यार इलेवेंथ का मुझे अपलोड करना है मैं मैं बीमार पड़ गया ना अपलोड नहीं कर पाया सो डोंट वरी, अपलोड करूंगा ठीक टेंशन क्यों ना ओके टेंशन मत लो रे बाबा, ठीक है मैं अपलोड कर दूंगा ओके चलो डोंट वरी बी हैपी एक तो कोई चैट पढ़ नहीं पाया मैं ओके अभी दिख रहा है सबको चलो कॉल वाले मेरे को परेशान कर डाल दे ना आगे बढ़ते हैं अब हां तो ध्यान रखना ना अब साइटोकान के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देख लो फटाफट तो ये सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट करता है सबके सब तो इनलार्जमेंट ही करते हैं रेशियो ऑफ इन साइटोकाइनिन द मॉर्फोजेनिक डिफरेंशिएशन व्हाट इज मॉर्फोजेनिक डिफरेंशिएशन मतलब कि जो मॉर्फोजेनिक मतलब ये होता है कि एक्जैक्टली exactly बाहर का स्ट्रक्चर मॉर्फा मींस स्ट्रक्चर होता है जेनिक मींस जेनेटिक स्ट्रक्चर्स उन स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएशन लाने का काम साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन दोनों करते हैं लैटरल बर्ड जो साइड के ब्रांचेस होते, है, होते हैं उनमें पहले बर्ड आते हैं देन ब्रांचेस क्रिएट होते हैं तो उनको प्रमोट करता है फिर उसके बाद कंट्रोल अपाइकल डोमिनेंस। अब जैसे कि हमारा ऑक्सीन भी अपाइकल कंट्रोल कर रहा था सेम ये भी काम करता है चलो। इतना आसान है। ओके श्योर यस अनुष्का थैंक यू नेक्स्ट है इथलिन अब ये इनहिबिटिंग हार्मोन है अभी तक सबके सब इनलार्जमेंट सब को प्रमोट कर रहे थे अब ये रोकने वाला हार्मोन है चलो ठीक है यहां पे ध्यान दो अच्छे से अभी रोकने का काम करेगा तो गैसियस ग्रोथ रेगुलेटर पहली बात तो ये है ग्रोथ को रेगुलेट करता है ये हाँ का तुमने नाम सुना होगा। ये बहुत से फल वाले हम लोग को येड़ा बनाते येड़ा बना के पेड़ा खाते ठीक है कैसा करते जानते हो तुम लोग ठीक है यहां ध्यान दो तो ये जो केला वाले केला वाले या फिर फल वाले या आम वाले या ये जो सब रहते हैं ना ये लोग कच्चे आम को पका बना देते कैसे जानते हो इथिलिन डाल के तो इथिलिन एक ऐसी चीज है जो कि अगर तुम केला में नहीं सबसे पहले केला ही क्यों आ रहा है भाई पता नहीं ओके ठीक है केला केला भी एक फल है तो फल केला आम एप्पल एप्पल नहीं आम ठीक है तो इन सबको रिपनिंग इनकी रिपनिंग करने में इथिलीन हेल्प करता है ध्यान देना अच्छे से चलो प्लांट नेचुरली सिंथेसाइजेस इथिलीन तो जैसे कि प्लांट के अंदर खुद से इथिलीन क्रिएट होता है बट हमको बहुत घाई देती है हमको जल्दी पकाने का है तो हम इथिलीन का इस्तेमाल करते हैं और हमारा फल जल्दी पक जाता है तो इथिलीन को हमेशा ध्यान रखना अच्छे से ना आगे बढ़ते इथेफोन दुकान में मिलती है खरीद सकते हो सब लोग ठीक है फ्लाइंग कह बर्डर सासू माँ अरे भाई यहाँ सासू माँ किसकी आ गई है <laughs> सासू लोग बहुत खतरनाक होते है अरे बाबा सारी लड़की लोग को पहले ही बता देता हूँ सासू माँ लोग बहुत खतरनाक रहते हैं तुम लोग का शादी होगा ना तुम लोग बहुत मारेंगे सासू मार लोग वो कोकिला बहन को देखा है क्या ठीक है कितनी चांदाल है कैसे बोलते वो कितनी बड़ी बड़ी आंखें एकदम डेंजरस अरे बाप रे मतलब कैसे बोलते किचन में कौन था कुकर में चने चढ़ा दिए और पता नहीं क्या क्या कर दिया फिर बोले वो राशि थी और तीन घंटा ना धूमता कुछ भी चल रहा है मतलब भाई चलो ठीक है।, so, है तो ये इथिलिन का एक फॉर्म है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इन द रिपेलिंग ऑफ फ्रूट्स सिंथेसाइज कहां होता है तो मैरिज स्टेम में फिर रूट में और फिर शूट सिस्टम में तो तीनों जगह ये बनता है ठीक है इस बात को हमेशा ध्यान देना अच्छे से चलो आगे बढ़ते हैं ना हो यहाँ देखो ओके चलो अब शुरुआत करते हैं <laughs> कुछ लोग कहते हैं एक बंदा कह रहा है कि भैया इथलिन जैसे लोग बहुत से लोग हैं हमारे जीवन में जो पकाने का काम करते हैं। <laughs> वो एक मैं भी हूं मैं भी बहुत पकाता हूँ ना तुम लोग को <laughs> इनडायरेक्टली बोल दो भाई तुम लोग बोल दो कोई टेंशन नहीं तुम लोग बोल दो <laughs> ठीक है तो जिंदगी की वाट लगी पड़ी है है ना ऐसे ही बोलोगे ना तुम लोग भैया कितना पढ़ाई करें जब देखो पढ़ाई 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 अरे भाई कितनी पढ़ाई की जाए कोई ना एक बार पढ़ लो फिर मजा आ जाएगा ओके चलिए ठीक है आगे बढ़ते अब इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देख लो तो ये रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करता है देखो आ गया पहले केला आ गया भाई हर जगह पहले केला ही आता है फिर एप्पल फिर मैंगोज मैंगो को सबसे लास्ट में रख दिया ठीक है चलो अच्छी बात है ये ब्रेक करता है ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स को तो उसको ये ब्रेक करता है और रिटार्ड मतलब कम करना तो फ्लावर एक्सेप्ट इन पाइन एप्पल पाइनएप्पल फ्रूट को छोड़ के बाकी सभी में ये फ्लावरिंग फ्लावर को नहीं आने देता इनहिबिट कर देता है फूल नहीं आने देगा सिर्फ फल आएगा और ये एपिनेस्टी यानी ड्रूपिंग करवाता है लीव्स की या फ्लावर्स की तो अगर मान लो किसी प्लांट में फ्लावर या मतलब बर्ड्स रहेंगे ना और इथिलीन डाल दोगे ना तो वो फ्लावर गिर जाएंगे प्लांट सूखने लगेगा और जल्दी रिपिनिंग हो जाएगी ठीक है ध्यान दो अच्छे से चलो <laughs> कोई तो किरण है वो कह रहा है कि बनाना इज इम्पोर्टेंट <laughs> बच्चे बहुत होशियार हैं चलो ऑल्सो इंक्रीजेस एक्टिविटीज ऑफ क्लोरोफाइलेस क्लोरोफाइलेज इज द एंजाइम ठीक है विच कॉजेस डिक्रीजिंग इफेक्ट इन बनाना ठीक है इस बात का ध्यान देना मतलब कि एग्जैक्टली exactly, फिर से बनाना हर जगह बनाना ना 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 बनाना ओके ठीक है चलो हर जगह बनाना आ रहा है भाई ओके okay, ठीक है तो उसके अंदर ये डिक्रीजिंग मतलब उसके साइज छोटा करना या फिर उसको पकाना जल्दी या उसके अंदर फिर मीठा पेन नहीं रहता तो ये सब कुछ काम करवाने का काम इसी थिलिन का होता है तो इसे थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है एपसिसिक एसिड एंड आई थिंक इट इज लास्ट वन कितने याद आ रही है ना? देखो क्या करता है सबसे पहली बात मैंने तुमको पहले ही बोला था कि दो ही इनहिबिटिंग हॉर्मोन है तो जिसमें से एप्सिस एसिड भी एक इनहिबिटिंग हॉर्मोन है ध्यान देना इनहिबिटिंग मतलब जो रोकता है कम करता है और केमिकल सब्सटेंसिस कॉल्ड एपसिसिक वन एंड टू ये दोनों

फिफ्टीन कार्बन सिस्क्विटर पिनॉइड ओके ध्यान देना अच्छे से बहुत सुंदर है मेरे बाबा ठीक है तो मतलब ऐसा लगेगा इट्स माइल इट्स वॉर्नेबल ठीक है फिफ्टीन कार्बन सिस्क्विटर पिनोइड पिनॉइड ओके सिस्क्विटर पिनोइड ओके ठीक है <laughs> इसका कुछ अलग नाम मेरे दिमाग में आ गया लेकिन मैं नहीं बोल रहा छोड़ो जान दो छोड़ दो माफ कर दिया ओके नहीं तो मैं पक्का बोलता था <laughs> <सिस्कुटर पिनाएड laughs> चलो ठीक है सो केमिकली सिंथेसाइज फ्रॉम मेवेलोनिक एसिड तो एप्सिक एसिड भी मेवेलोनिक एसिड से क्रिएट होता है और मेवेलोनिक एसिड से और कौन बन रहा था अपना जिब्रलिन इट कार्बन पिनोइड यानी सिस्टर पटर पटर आगे नहीं बोलूंगा सिस्टर लोग पटर ही करते हैं ना आई डोंट हैव आई हैव मैनी मैनी बहुत सी सिस्टर्स ठीक है और बहुतों को तो बनाना पड़ता है अभी ऐसा व्हाट्सएप रहेगा ना फिर ऐसा बहुत से मैसेज आते हैं फिर बोलना पड़ता है दीदी आप हमें क्षमा कर दीजिए आप क्विटर पिनॉइड मत पी लीजिए ठीक है नहीं तो आपके अंदर भी ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी तो एग्जैक्टली exactly कार्बन से बना तो करता है तो व्हाट्सएप में ना चार हजार मैसेज इस वक्त पड़े और जिसमें से कम से कम दो हजार मैसेज तो समझ जाओ कौन से जिन्हें हमें ऐसे दूर से बोलना पड़ता है नमस्कारम कृपा करके सिर्फ पढ़ाई की बातें करें ठीक है नहीं तो वाट लग जाएगी मेरी ठीक है ऐसे बोलना पड़ता है अभी क्या करेंगे चलो ठीक है बच के रहना पड़ता है चीजों से तो ये सारी चीजें होती है चलो आगे बढ़ते अभी सो 15 फिफ्टीन कार्बनपिन इसके अंदर है इस बात को थोड़ा ध्यान रखो अच्छे से ठीक है आगे बढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की नाउ लिशन केयरफुली अब हम देखेंगे एप्सिसिक एसिड के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करेंगे नाउ देखो यहां पे तो सबसे पहले बात एप्सिसन इन प्लांट प्लांट को ग्रोथ होने से रोक देता है ये 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 इसका काम है। ये को कंट्रोल करता है, है, है। है, को को करता करता मतलब सामने कौन सा आके दिखेगा, उसको रोकता है, कंट्रोल करता है। ये ग्रोथ के प्रोसेस को रोकता के क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब प्लांट की ग्रोथ को बंद करना पड़ेगा तो कब तक ऑक्सीजन और जिब्रलिन रिलीज होते रहेंगे रिलीज होते रहेंगे? एक पे तो इसको बंद करना पड़ेगा ना ध्यान दो ये डिले करता है और रिजल्ट देता है स्टोमेटा के क्लोजिंग एंड ओपनिंग में और इसीलिए इसका नाम है एंटी ट्रांसपेरेंट प्लांट ट्रांसपिरेशन के अंदर ही ट्रांसपिरेशन जो चैप्टर टॉपिक था क्लास नाइन्थ में भी तुमने पढ़ा था जहां पे जो वाटर होता है वो रूट सिस्टम से लेके लीफ तक आता है ठीक है और फिर वहां पे स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग होती है तो एंटी ट्रांसपेरेंट के फॉर्म में भी ऑक्सीजिक एसिड काम करता है ठीक है एंटी ट्रांसपेरेंट पानी नहीं आना चाहिए लीफ तक ऐसा ये काम भी करता है ठीक है ये बात ध्यान देना एंड एट द एंड घंटी बजा दो टन 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 पुराना पुराना वाला नोट इसीलिए बोल रहा हूं और <laughs> तो मैं कैसे बोलता था गाइज एक बार जरा बोल के दिखाओ क्या <laughs> कैसे जब मैं मेरी वीडियो तुमने देखा ना मैं कैसे बोलता था दिखाओ क्या एक बार बोल के ठीक <laughs> है देखो ऐसा बोलता था सो so, <laughs> हंसना मतलब क्या बाहर बोलता था यार मैं पहले जब वीडियो बनाता था तो मैं एक कोने में बैठ जाता था पंखे बंद कर देता था ये मेरी पुरानी नोट्स है ना तो और सामने फोन या लैपटॉप जो भी रहता था तो ऐसे बोलता था चैप्टर मान लो खत्म हो गया सो ऐसे बोलता था तो तो नाउ गाइस डन डन हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म और अब आप लोग चाहो तो हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उस प्यारे से घंटे को बजाना बिल्कुल मत भूलना और चाहो तो आप लोग यहां पे क्लिक करके विजिट कर सकते हो हमारे चैनल के अंदर कोई भी नोट चाहिए तो इस लिंक में इस ईमेल इस आईडी में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अगर थोड़ा सा आपका प्यार दिखाना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो थैंक यू सो मच मिलेंगे अगले वाले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय <laughs> तो ऐसे ही मैं बोला कर रहा था ओके ओके okay, ठीक है सो so, एग्जैक्टली exactly, ऐसे में जब रिकॉर्ड करता था वीडियोस रिकॉर्डिंग वाली वो लैपटॉप में जिसमें मेरा फेस नहीं दिखता उसमें मैं ऐसे ही बनाता था है ना? बहुत बढ़िया ठीक है चलो ओके okay, फाइन <laughs> इतना मजा आता था ना और शुरुआत कैसे करता था ऐसे अब ऐसे नहीं करता शायद मैं, अब अलग तरीके से ऐसे सो so, ऐसे बोलता था

मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा ओके श्योर यस प्रिया आ जाएगा डोंट वरी चलो ठीक है डालता हूँ मैं ओके ज्योमेट्री ओके चलो ठीक है सो so, किसी को कोई और डाउट चलो किसी को कोई डाउट है हेलो एवरीवन खत्म संपला विषय तुम्हारा का मराठी बोलू शकत नहीं ऐसा का नहीं रे बाबा मला पन मराठी बोला मी पण बोलू शकतो मला 89 भेटले होता मराठी मध्ये व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंड आई गॉट 89% इन मराठी सो यू कॅन इमेजिन दट मी पण मराठी बोलू शकतो ओके असा काय नाही ओके चला आता काय बोलायचे आहे का तुम्हाला सगळ्यांना बोला रे बाबा बोला अभी इसको यहां रख देता तो। हूं देखो इसमें मोबाइल लगा रहता है ऐसा और इसमें सारी चैट चलती रहती है तो मैं चैट यहीं से पढ़ता हूं सारे टीचर्स इसीलिए यहां बार बार देखते रहते हैं। देखो दिख रहा होगा तुम लोग को है ना वट अबाउट बोर्ड एग्जाम्स तो होगी भाई कोई गुंजाइश नहीं बोर्ड एग्जाम होगी और नहीं हुई तो अच्छी बात है मेरा कहता है। तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता थोड़ा पढ़ लेता तो पेपर में लिख के आता ठीक <laughs> है चलो ओके okay, फाइन बहुत बढ़िया कृपा कृपा ठाकरे बहुत बढ़िया ओके ग्रेट सनशाइन गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम ग्रेस गया बाबा ये ओके 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 एक तो कुछ बंदा कह रहा है इट्स फायर वाइटी वैपन प्लीज कैन यू इलेबोरेट इट ओके फाइन या ग्रेट इट्स फायर वाइटी कैन यू इलेबोरेट इट और यू कैन सेंड मी लिंक इन व्हाट्सएप इन टेलीग्राम एनी वेयर ओके बहुत मजा आया आज लेक्चर में बहुत मजा आया आज लेक्चर में क्या बात है <laughs> भाई मैं सिंगर विंगर नहीं हुआ मैं कोई सिंगर नहीं हूं दैट्स इट मैंने सिर्फ अपने पंद्रह अगस्त में एक बार गाना गाया था अपने स्कूल में पंद्रह अगस्त के दिन फिफ्टीन अगस्त के दिन मैंने गाना गाया था उसके बाद मैंने कभी गाना नहीं गाया ठीक <laughs> है हिम्मत नहीं हुई मेरी गाना गाने की ओके okay, चलो और वो गाना मुझे अभी भी याद है बट मैं गाऊंगा नहीं अभी हंसी मजाक हाँ यस या श्योर नेक्स्ट किसी को कुछ पूछना है मेरे से यू ऑल मी अगर मैंने चैट देख लिया तो अच्छी बात है <laughs> चलो आपको लेके चलता हूँ इसमें आपके सारे चैट्स दिखाता हूँ रुको हाँ. यहाँ पे दिखेगा hey, ए भाई, भाई 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 आराम से भाई भाई आराम से थोड़ा सा <laughs> सबर करो करो yeah. so <laughs> yeah. या या चलो देखो अभी मैं भी दिख रहा हूँ तुम सबके चैट्स दिख रहे होंगे ओके okay? अब तुम सबके चैट्स भी दिख रहे होंगे <laughs> अब सब बोलेंगे बहुत से परेशान दिख रहे हैं या <laughs> yeah. चलो ठीक है तुम सब अपने देखो कैसे रो रहा है ये कौन है रो रहा है भाई <laughs> कौन रो रहा है ये ये अमित रो रहा है आपने रिप्लाई नहीं दिया ऐसा <laughs> इधर दिखो क्या ऐसा वाह वाह क्या बात है कोई रोएगा को पकड़ के उसको यहीं पे देखो पकड़ लूंगा या शॉर्ट ठीक है चलो मराठी बोला का बोलू मराठी मधे सांगा तुम्हें तो यस मराठी मधे का बोलू रे बाबा चलो कोई कह रहा है सर आप अगस्त वाला गाना गाओ मैं गाना मेरे से खूब भी दुनिया में जी रहे हो मैं गाना गाऊंगा जियान हूं <laughs> मैं जियान मैं हूं जियान मेरा गला है सबसे सुरीला ओके <laughs> यस <Okay. laughs> yes, तो मेरे से गाना नहीं हो पाएगा यस 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 मिरर वर्ड लग रहा है यस yes, हाँ भाई <laughs> चलो ठीक है सो so, ओके फाइन चलो ठीक है सो अब चलते हैं। <coughs> कितने सारे बोल रहे हो मैं गाना नहीं गाऊंगा मेरे को नहीं आता मतलब ठीक है मानता हूं कि थोड़ा बहुत मैं गा लेता हूं बट इतना भी अच्छा नहीं है तुम लोग मजाक उड़ाओगे चलो ठीक है अब बंद कर दो सेशन बंद कर दो सेशन चैप्टर नंबर सात तक हमने खत्म कर दिया है पूरी बायोलॉजी को वन शॉट को चैप्टर नंबर आठ चैप्टर नंबर नौ दस फटाफट खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक देन बचेंगे सिर्फ छः चैप्टर वो भी फटाफट हो जाएंगे बारह चैप्टर तक मेन बायोटेक्नोलॉजी तक का मेन वीडियो होगा उसके बाद सारा का सारा इकोलॉजी है तो वो भी हो ही जाएगा उसको बहुत इम्पोर्टेंस देना अच्छे से ओके okay? सो so अब चलते हैं क्या बोलते हो तुम लोग चला जाए अभी एंड ओके चलो ठीक है तो अब चलते हैं और ऑल ऑफ यू टेक केयर बाय 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 कुछ रहेगा तो बोलो बोलो मुझे बाय बाय भंग मजी सटकली आता मजी सटकली ये मला रागे तो ये <laughs> ना रे बाबा माजी ना सटकली है मैं <laughs> तो तुम्ही काय बोलना प्रशांत सरंची सटकली है <laughs> आसा काय ना ओके यार शोर प्रिया आई विल ट्राई डोंट वरी थैंक यू सो मच समायरा थैंक्स अ अल्लाड 500 के कमिंग सून

अरे बहुत पहले गाया था आठवीं क्लास में था ना तभी गाया था अभी गंदा गाता हूँ रे बाबा बहुत अच्छे से नहीं आता मेरे को तुम लोग मेरी मजाक उड़ाओगे फिर <laughs> 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 फिर मेरा फुल मजाक उड़ाया जाएगा यहाँ पे <laughs> इसलिए मुझे नहीं गाना <laughs> चलो ठीक है और कभी अच्छा नेक्स्ट वीक पक्का गाना गाऊँगा ठीक है मुझे याद दिलाना नेक्स्ट वाले वीक में पक्का गाना गाऊंगा मुझे याद दिला देना ओके okay, फाइन चलेगा बाय बाय चलो ठीक है गाना गाऊंगा बाप रे ठीक है मेरी अंदर से एकदम पूरी बाट लग जाती है गाना बिना नहीं गा सकता चलो ठीक है बाय बाय टेक केयर अच्छे से रहो सब लोग आगे बढ़ो बहुत आगे जाओ बाय तेरा दिखे काम तमाम है ढनढ़ में तेरी री बी धूम बसते बसते री धूम धाम है एक मिनट कहाँ गया बटन ओके बाय बाय